क्या मैं इनसे मिल सकती हूँ? तमाशा देखने, ये देखने कि तुम लगते कैसे हो जेल की सलाखों के पीछे। खुश हो लो रीमाना, खुश हो लो। ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। बहुत जल्दी मैं यहां से बाहर निकल आऊं और मेरा सबसे पहला काम होगा तुम्हारी मौत। रीमाना, मुश्किल है डब्बू, इस बार तुम्हारा निकलना मुश्किल है, क्योंकि अब न सिर्फ हिंदुस्तान की पुलिस तुम्हारे पीछे है बल्कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस भी। और अगर तुम किसी तरह निकल भी गए तो मेरी मौत मुश्किल है, क्योंकि मेरी मौत तो तब हो चुकी थी जब ऑस्ट्रेलिया में तुम मुझे अचानक छोड़ गए थे और मेरे पिताजी को पैराल्टिक अटैक हो गया था। तो अगर किसी की मौत होनी है, मेरी नहीं तुम्हारी होनी है। और एक बार नहीं, बार बार, क्योंकि तुम जैसे कमीने ना एक बार मारने से मरते नहीं है। बोल ले रीमाना, जितना मर्जी है बोल ले, क्योंकि जब मेरा वार तुझ पर पड़ेगा ना तो ये सारी बोलती बंद हो जाएगी। इस बार ऐसा नहीं, इस बार तुम नहीं हो चुके, तुम्हारे सारे कारनामे सामने। आज तक जब एक औरत तुम पर वार करती आई थी तो तुमने दूसरी औरत का सहारा लेकर बचते रहे, लेकिन अब की तो कोई औरत बची ही नहीं। हाँ, तुम्हारी नई मिस इंडिया, लेकिन उसने तो आज ही सरेआम तुमसे नाता तोड़ दिया है। तुमने उसे भी धोखा देने की कोशिश की, लेकिन वो संचेत थी, एक मैं ही बेवकूफ थी जी के कहने पर भी नहीं मानी। रिया, तुम कहां रीमानाथ की बातों में आ रही हो? रिया, रिया, हम दोनों मियां बीवी हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है। रिया, हमारी शादी तब नहीं हुई थी जब तुमने मुझे थप्पड़ मारकर कहा था कि जाओ अपने माँ बाप के घर से पैसे लेकर आओ, वरना आना नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। रिया, उस दिन गुस्से में मैंने बक दिया था। लेकिन आज मैं गुस्से में नहीं डब्बू। प्रिया जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी अब तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। काश उसने मेरी बात तब मानी होती तो ये नौबत नहीं आती। मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाऊंगी मुझे अगर इस कमीने को सजा मिल जाए। जरूर मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी ये अपनी मौत के लिए भीख मांगेगा, और मौत इसे नसीब नहीं होगी। प्रिया, प्रिया रीमा की बातों में मत आओ। प्रिया, आइए आइए, अवार्ड विनिंग साहिबा आइए, मुबारक हो। जगहों से आज मुबारकें मिली होंगी, कई जगहों से फोन भी आए होंगे। सबसे बात हुई तुम्हारी? क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? कुछ गड़बड़ हुई क्या? हम फिर आज इतनी बात कर लिया कि अब बात करने का दिल नहीं। इतनी खफा होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मुबारकबाद कह रहा हूं, या फिर वहां से मुबारकबाद मिलने के बाद अब कंग्रेचुलेशन सुनने की चाहत ही नहीं। उनका फोन तो जरूर आया होगा, वो ऐसे मौके से कभी नहीं चुकता तुमसे बात करने के लिए। क्या कह रहा था?
बात नहीं करना चाहती तो फिर तुम यहाँ बैठी क्यों? जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ, वहां फोन है, मोबाइल भी है, इत्मीनान से बात कर लो जिसे तुम बात करना चाहती हो। जाओ मैं तुमसे बात करता हूं तो तुम बात नहीं करती, मैं तुमको जाने के लिए कहता हूं तो तुम जाती नहीं हो, तुम्हारा इरादा क्या है? जाओ बहरी हो गई हो क्या, सुन नहीं रही हो? और क्या जीत लिया, इतनी ताकत आ गई है तुम्हें? कुछ नया सीख लिया है मुझे नीचे दिखाने का। यू आर ट्राइंग माई पेशेंस, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा हाथ भी उठ सकता है। जाओ आप बेटी हैं इनकी? मैं नहीं तो हाँ यूं ही समझिए बेटी होगी। ओके दीपा जी कहाँ गई? वो जरा नीचे गई है दवा लाने के लिए, बस 10 मिनट में आती हूँ। ठीक है मैं इंतजार करूँगी। ओके थैंक यू। आज बहुत याद आ रही थी अपने पिताजी की तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। डब्बू तो जेल में है और ये सब मैं आपसे क्यों कह रही हूं? एक बेटी अपने बाप से नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी? अंकल आप ठीक हैं? तभी तो मैं सोच रही थी कि दीपा जी ने आपको अकेला छोड़ के कैसे चलेगी, लेकिन आप घबराओ मत। मैं घबरा नहीं रही, तो खुश हो रही। खुश तो तुम्हें उस दिन होना चाहिए जब अपने पिताजी से किया हुआ वादा तुम पूरा कर लो। वो तो बस पूरा हो ही गया, लेकिन आपसे बात हो गई ये अच्छा हुआ। पर अंकल मैं बहुत तनहा महसूस कर रही थी, एक कोना ढूंढ रही थी रोने के लिए, लेकिन बार बार अपने पिताजी की बात याद आ रही थी। हंसना है तो सबके साथ हंसो, मगर रोना है तो सिर्फ मेरे सामने। वो तो ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए मैं आपके पास चली आई। बहुत अच्छा किया बेटे, लेकिन तुम रोना क्यों चाहती हो? रोने के लिए तुम्हारे पास क्या वजह हो सकती है? और फिर मेरे होते हुए, दीपा और प्रीति के होते हुए तुम अकेली कैसे महसूस कर सकती हो? याद है तुमने खुद ही एक बार मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझे पापा कह सकती हो? आओ बेटी, बेटी मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे साथ हिंदुस्तान में। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें इतनी दूर मैं अकेले आने दूंगा? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। तुम सोच रही होगी कि तुम प्रोफेसर साहब के साथ हो, लेकिन नहीं, तुम मेरे साथ हो, अपने बाप के साथ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा बेटी। Thank you.
जा रही हो तुम? हाँ। निया? हाँ। वापस कब आओगे? ख्याल तो है कि अब वापस नहीं आऊंगी। हो सकता है वहां पर जाने के बाद, कुछ दिन रहने के बाद ख्याल बदल भी जाए। तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं? मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। बेसिकली तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें जो करना करो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं रमूला, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे फर्क पड़ता भी है तो मैं सह लूंगा। तुम्हें अपने फैसले करते हुए मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। कौन, देखो मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, अब भी करती हूं। अपना हक मांग रही हूं क्योंकि तुमसे प्यार करती हूं, छोड़कर भी इसीलिए जा रही हूं क्योंकि तुमसे प्यार करती हूं। दुख सिर्फ इस बात का होता है कि I've always loved you, पर तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। वो बात नहीं है रमूला, मैंने नहीं। गोविंद, तुमने रमूला से कभी प्यार नहीं किया। मामा? मामा? आपका भाई अभी अभी आए थे, तुम्हारे डैडी आए थे एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए, अभी अभी छोड़ कर गए। मैंने तो बताया नहीं कि इस घर में कोई किसी को बताता है गोविंद, लेकिन जिस घर से मैं आ रही हूं वहां किसी को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर कोई सब कुछ खुद समझ लेता है, क्योंकि उस घर में प्यार है, लोग प्यार समझते हैं, वहां प्यार की मायने जानते हैं। इसलिए मैं विश्वास से कह सकती हूं कि तुमने रमूला से कभी प्यार नहीं किया, हमेशा प्रीति से प्यार किया और आज भी तुम सिर्फ प्रीति से प्यार करते हो। ये सब नाटक करना एक दिखावा है, सीरियस होना। तुम चाहते हो कि रमूला वापस जाए और तुम आजाद हो जाओ प्रीति से मिलने के लिए। मैं एक बात कहूंगा, आप मेरी मां जरूर हैं, मगर आप मुझे कभी समझ नहीं पाए। मुझे क्या, आप तो डैड को भी समझ नहीं पाए। तो दूसरी बात है कि उन्होंने इसे अपना प्रारब्ध मान लिया ही। He has just learned to accept everything. But it is not fair on us, mom, not fair at all. हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने आज तक प्रीति के अलावा किसी और से प्यार नहीं किया है। अगर ये कहना कि रमूला के साथ मेरा शादी करना एक नाटक था, उसे न्यूयॉर्क जाते हुए देखकर सीरियस होना एक ढोंग है, एक दिखावा है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मॉम। जिंदगी कोई गणित थोड़ी है मॉम, कि दो से दो जोड़ा तो चार हो गया। जिंदगी तो एक तस्वीर है, एक अद्भुत तस्वीर जिसे जिसे समझने के लिए एक दिल की जरूरत है। और अगर आप समझती हैं कि इंदौर जाकर आपने प्यार का मतलब समझ लिया तो आपको गलत फहमी है। योर सैडली मिस्टेक। क्योंकि आप प्यार का मतलब कभी नहीं समझ पाएंगी और ना ही प्यार करने वालों को, क्योंकि आज तक आपने अपने अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं है। समझना तो दूर की बात है। देखा मुझसे कैसे बात करके गया, कोई अपनी मां से यूं बात करता है? क्या बात है, ऐसी कौन सी खबर है जिससे तुम्हें हैरानी भी हो रही है और खुशी भी? नेशनल बुक पब्लिकेशन से ये ऑफर आई है, जो मेरी
कहानी है जो मैं सोचती हूँ अगर मैं किताब के रूप में लिखना चाहती हूँ तो वो लोग मेरी किताब पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो मेरा इंटरव्यू छपा था वो उन लोगों ने पढ़ा और उन्हें लगता है कि मैं एक अच्छी किताब लिख सकती हूँ। तो अच्छी बात है, ज़रूर माननी चाहिए उनकी ऑफर। ऑफर अच्छी है लेकिन दे जस्ट गिविंग मी वन वीक और किताब पर काम करने के लिए और किताब छपने में सिर्फ एक महीने का वक्त है, नथिंग मोर देन दैट। मेरे ख्याल से तुम सब कुछ छोड़ दो और इसी काम पर लग जाओ। वैसे इस बात से सबसे ज्यादा खुशी पापा को होगी और उसके बाद दीपा। हाँ वो तो होगी, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे एक प्रोफेसर को अपनी बेटी की लिखी हुई किताब पढ़ने को मिलेगी, अच्छी बात नहीं? और दीपा वो जो लाइब्रेरी में काम करती है उस लाइब्रेरी में उनकी बेटी की किताब भी होगी, है ना खुशी की बात? हाँ लेकिन पता नहीं लिखूं या ना लिखूं। क्यों लिखूंगी? क्या है मेरी जिंदगी में जो मैं छाप सकती हूँ किताब? नथिंग। वो सच जो इतने सालों तक तुमने अपने पास रखा है, जो तुम्हारी पर्सनल जिंदगी है, जिसके उतार चढ़ाव से तुमने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी बनाई है बिगाड़ी है, जो भी सच लिख दो। सच? सब कुछ सच लिख दूंगी। एब्सोल्युटली बिल्कुल सच लिख दो। हाँ लेकिन जो जो लोग मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं जब उनके बारे में ऐसी किताब में लिखा जाएगा तो feel tremendously hurt about it. तो लगने दो बुरा, इसमें क्या बड़ी बात है? होगा क्या? आज जो दोस्त है दुश्मन बन जाएंगे बस। वैसे मुझे तो दुश्मन ही अच्छे लगते हैं क्योंकि दुश्मन दगा नहीं देते, दगा तो सिर्फ दोस्त देते हैं।